रेस में जीतना उस घोड़े को भी पता नहीं रहता है कि यह जीत क्या होता है, लेकिन उसके मालिक के द्वारा दिया गया हुआ तकलीफ वह उस तकलीफ से दौड़ता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ आए तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा मालिक मुझे जिताने के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जीतना, इस जंग को जीतना सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। यह भी आपके लिए, अभी आप बिहार बोर्ड का तैयारी अगर कर रहे होंगे तो आपको जो है यह भी इतना कम समय में आप इसको कैसे बेहतर बनाएं, या आपको खुद सोचना होगा, खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके प्रति कितना सोचे, कितना मेहनत करें। और इसमें जो है आप कहीं पर भी क्यों ना पढ़े, कहीं पर जहां पढ़े हुए उन टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ नोट्स होगा आपके पास, उनको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उन चीजों को दोहराइए, और जितना आप उसको करते हैं और वह चीज आपको उतना हल्का लगता है। यही अनुभव या एक्सपीरियंस का चीज है बच्चों। आप लोग, सबसे बड़ी चीज है कि समय बहुत कम है, या भी से आपको पढ़ना है, आपका रिजल्ट भी बेहतर करना, नहीं तो समाज में ताना तो लगेगा ही। और अगर आपका रिजल्ट ना बने, अगर कोई अन्य आपके समाज में, आस पड़ोस के टोला मोहल्ला में, गली मोहल्ले में अगर किसी का रिजल्ट बन जाए, तो उन समय जो है आपका आंखें नम हो जाएगा। और इसी कारण से आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रयत्न करें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, और गलत संबंध में ना जाएं और गलत पथ को ना धारण करें। उसके बाद जो है रात दिन एक करके वल्ली सिर्फ फोकस करें पढ़ाई पर, तभी जा करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और क्लास टेंथ से रिजल्ट बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हम अपने जीवन में पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है पढ़ना। अगर आप यह भी 5 घंटा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप यह भी 6 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं कोचिंग क्लास के अलावा घर पे, तो अपने जीवन में आप 12 से 14 घंटा मेहनत करने के लिए एकदम बैल की तरह, घोड़े की तरह जो है खींचते रहिएगा, पिसाते रहिएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। अगर कोई भी आदमी पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उनका एक दिन भर का ड्यूटी होता है तो 24 या 8 घंटे का होता है, ना कि 12 घंटा, ना कि 14 घंटा का ड्यूटी होता है। अगर 6 घंटा भी तैयारी नहीं करते हैं, बाद में 12 घंटा के लिए तैयार रहिए। अगर आप क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं, आगे आप लंबा सुख के पीछे जाने के, लंबा दुख के पीछे जाने के लिए तैयार रहिए। आज आप लंबे समय तक मेहनत करिएगा, लंबा मेहनत करेंगे, 2-3 साल अगर मेहनत कर लीजिए, मैट्रिक पास कर लीजिए, 10वां को इंटर बेहतर ढंग से कर लीजिए, बाकी तो सब वही है, बस सिर्फ रिवीजन है बाद में आपको, वनली फोर, बस 2-3 साल जो है कस के पढ़ना, यही तो है जीवन का सफलता का मेन मोर्चा। अगर यह भी आप 3 साल नहीं पढ़ते हैं तो जीवन भर जो है कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर इस 3 साल को अगर बेहतर ढंग से आप झेल लेते हैं, तो जिंदगी भर आप सुख से, आराम से रहिएगा, महीना लगेगा, सैलरी आएगा, खटाखट आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, है ना। लेकिन हमारे अनुसार से तो हम यही चाहते हैं कि आप मेहनत करें, संघर्ष करें, अपने जीवन को उज्ज्वल और प्रकाशमय बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेहनत करें, सफलता की ओर। जय जय हिंद, जय भारत।